इस बार बिट्टू जी का अरेंजमेंट बहुत आधा अधूरा सा लगा। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए वेटर्स बहुत कम मंगाए, तो लो इसे लेकर सारे मेहमानों के बीच में घूम। और जिसका भी ग्लास खाली होता है उसका झूठा ग्लास ट्रे में रखो और ले जाकर बार काउंटर पे दो। और ड्रिंक सर्व करते वक्त अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखना। वो क्या है ना बीवी, तुम्हारे चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट बहुत खिलती है। मुस्कुराहट कहाँ भुलाई बीवी, क्या हुआ? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ डांस कर रहा था। और लगता है नजदीकियां तुम्हें बहुत कमजोर कर गई। जानता हूं अभी छूटते ही भागोगी, जाओ भागो जैसे हमेशा की तरह तुम मुझसे दूर भागती हो। Go! बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने बीबी, इतनी हिम्मत दिखाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। As you wish। पहले भी कहा है और सही हूं, कुछ तो बात है तुम में जो हर बार आरके का सामना कर जाती हो। इस शाम के आखिरी पलों को और भी हसीन बनाने के लिए अकेले में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं, पर पूरी दुनिया के सामने पत्नी बनना और पत्नी धर्म निभाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना भी? बहुत शौक है ना तुम्हें डेडलाइंस देने का, 24 घंटे, 10 घंटे, 15 मिनट। तो आज एक डेडलाइन मैं तुम्हें देता हूं, अगले 10 सेकंड में हमारे रिश्ते पर, हमारी डील पर मैं पूरी दुनिया के सामने मोहर लगाने वाला हूं तुम्हारे होंठों से। टेन, नाइन, एट,
7 6 5 4 3 2 जी को बुलाकर आता हूं मैं। ये देखिए मामा जी, पहले तो सारे मेहमानों के सामने जी भरकर भाभी जी की बेइज्जती की, और अब देखो क्या कर रहा है। क्या हुआ बीवी, कांप क्यों रही हो? ये डर है या खुशी? ना बीवी ना, तुमने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे काम नहीं किए अभी। यार के तुम्हें इनाम के रूप में किस करे? पहले तो वेटरों की तरह बहू के हाथों जबरदस्ती मेहमानों में शराब बंटवाई, और अब सरेआम घर की बहू के साथ ये बदतमीजी। दादाजी, आपके इस बेटे ने हमें बहुत शर्मिंदा किया है। सही कह रहे हैं आप डैडी जी। अरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर मुझे अपनी फिल्म में लेने वाले थे, अब कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा उनके पास? मैं तो बर्बाद हो गया ना। सिर्फ बीवी, आज रात तो तुम्हारी आंखों में ही कटेंगे, ये सोचते हुए कि कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें इस बात से कि नीचे मैंने सबके सामने तुम्हें किस करने की धमकी दी, या फिर इस बात से कि मैंने वो धमकी पूरी नहीं की। किसने किया तुम्हें? पूरी दुनिया के सामने बीवी का दर्जा देते देते रह गया। सोचो बीवी, बातें तुम्हारी हैं, तकलीफें तुम्हारी, और ये रात भी तुम्हारी ही है। सोचती रहो। Good night, honey. Excuse me, guys. The party is over. Thank you so much for coming. Thanks a lot. वाह डैडी जी वाह, मान गया मैं आपको। सच में आप तो दुनिया के सारे कमीनों को आग में घी डालने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। पीएचडी कर रखी है आपने। अरे लाले, अभी आग में घी डाला ही कहाँ है, अभी तो सिर्फ अंगारों पर आग सुलगाई है। आग भी भड़का देंगे, सही वक्त आने दे।
तुसी ग्रेट हो डैडी जी, ग्रेट हो। एक सिप तू दे दे। ले ले, खींच ले, खींच ले। तू मेरा असली बेटा है। हमारी डील पर मैं पूरी दुनिया के सामने मोहर लगाने वाला हूं तुम्हारे होंठों से। कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें इस बात से कि नीचे मैंने सबके सामने तुम्हें किस करने की धमकी दी, या फिर अपनी धमकी को पूरा नहीं किया? किसने किया तुम्हें? पूरी दुनिया के सामने बीवी का दर्जा देते देते रह गया। मधु मुझे माफ कर दे, मुझे अगर पता होता ऋषभ इस तरह पार्टी में तुझे बेइज्जत करने वाला है तो मैं तुझे पार्टी में आने के लिए कभी नहीं कहती। मुझे अगर अंदाजा भी होता कि ऋषभ इस हद तक जाने वाला है तो मैं ये पार्टी होने ही नहीं देती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहा था मैंने आपसे, कहा था ना मैंने कि ऋषभ को दरा ये पार्टी सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए रख रहा है। कहा था मैंने आपसे मत विश्वास कीजिए इस रिश्ते पर, फिर भी आपको लग रहा था कि मैं आपके बेटे को बदल दूंगी। अब आपका क्या कहना है? सारी गलती मेरी है पर मधु पर अभी भी एक बार बचा आपके बीच में, अभी भी आपको लगता है मैं आपके बेटे को बदल सकती हूँ? माफ कीजिएगा माँ, ये उम्मीद मुझसे करने से बेहतर होगा आप अपने बेटे को वो सिखाओ जो वो आज तक अभी सीख नहीं पाया। लोगों की इज्जत करना, लोगों की भावनाओं की परवाह करना। एक बुरे इंसान को अच्छा बनाया जा सकता है पर एक जानवर को कभी इंसान नहीं बनाया जा सकता। ऋषभ कुंद्रा एक जानवर है जो कभी बदल नहीं सकता। सॉरी माँ, मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। नहीं नहीं, उसने जो किया है उसका दर्द इतना हो रहा है कि तेरी कही बातों से चोट ही नहीं लग रही है। सही कह रही है तू, अब वक्त आ गया है उसे उसके गलतियों का एहसास दिलाने का। तू चिंता मत कर, ऋषभ तुम्हारे पास फिर से आएगा पर इस बार अपने किए की माफी जरूर मांगेगा।